हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो मेरा चैनल आज अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो चुका है भाई, और मेरे पास मॉर्निंग में मेल आया। मैंने 24 घंटे पहले अप्लाई किया था और 22 घंटे में ही मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वही सब कुछ आपको बताने वाला हूँ आज कि कैसे मैंने स्टार्टिंग की और कैसे यहाँ तक मेरा चैनल कैसे आया और कैसे मुझे मोनेटाइजेशन मिला। तो वही सब मैं बातें आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखें। और अगर आप YouTube पर नए हैं या आप YouTube स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके काम आए। इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, गर्मी थी बाहर ज़्यादा, इसलिए मैं अंदर आ गया भाई। मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश राज्य से हूँ भाई, और मैं पिछले 2 सालों से कतर के अंदर हूँ। यहाँ पर मैं जॉब करता हूँ ड्राइविंग का, लेकिन उसके बाद मेरे पास टाइम बचता था थोड़ा, तो मैंने सोचा कि ये टाइम क्यों ना मैं किसी काम में लगाऊँ या कुछ नया करूँ। तो यही सोचकर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अब से 1 साल पहले, और 1 साल के अंदर मेरे सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर हुए पूरे 1 साल में, और 2 महीने में हो गए 1800 सब्सक्राइबर। यानी 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपका चैनल का सिस्टम चेंज हो जाता है एकदम, यानी सब्सक्राइबर फिर खुद ब खुद आते हैं और आपका चैनल ग्रो करने लगता है। तो 1000 सब्सक्राइबर तक तो भाई इतना कुछ खास नहीं था, थोड़े से व्यूज़ आते थे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इतने तक व्यूज़ आते थे। 8 दिन में 100 हो जाया करते थे व्यूज़, लेकिन फिर भी मैं काम करता रहा। किस लिए? मुझको लग रहा था कि मैं मुझको सीखने को मिल रहा है नया कुछ, यानी मैं वीडियो बनाता था, एडिट करता था, अपलोड करता था, या किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाता था, तो उसके बारे में मुझे जानकारी मिलती थी, नॉलेज बढ़ती थी, तो मज़ा आता था। तो यही सोच के मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और काम करता रहा मैं भाई। काम करते हुए फिर 2 महीने पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, और अब से 4 दिन पहले वॉच टाइम पूरा हो गया है 4000 घंटे का। और ये वॉच टाइम मेरा पूरा साल का नहीं हुआ, ये वॉच टाइम सिर्फ 2 महीने में कर लिया। यानी 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आपके चैनल का सिस्टम इस तरीके से चेंज होता है कि आपके व्यूज़ अच्छे आने लगते हैं। तो भाई ये 2 महीने के अंदर ही मुझको 4000 घंटे का मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया, और अब से 24 घंटे पहले मैंने चैनल को रिव्यू पर डाला अपने। और जब 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया ना, तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया, तो वहीं जाके मैंने अपना चैनल रिव्यू पर डाला। और उसके बाद मुझे मॉर्निंग में आज सुबह जब मैं उठा, मैंने अपना नेट ओपन किया तो मेरे पास मेल आया भाई। खुशी हुई, बहुत दिल खुश हुआ यार, इतने टाइम से इतने दिन से मेहनत कर रहे थे। तो भाई, अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हो और YouTube पे आपने चैनल बनाया है नया और उस पर वीडियो अपलोड कर रहे हो आप, तो भाई सब्सक्राइब की तरफ बिल्कुल मत देखो, ना ही व्यूज़ की तरफ देखो, बस अपने काम पे ध्यान दो और पूरी ईमानदारी से अपना काम करो। बस आपके पास खुद ब खुद सब्सक्राइबर आ जाएंगे और खुद ब खुद व्यूज़ आने लगेंगे। मैंने तो भाई यही किया, ना मैंने सब्सक्राइब की तरफ को देखा, ना मैंने व्यूज़ की तरफ को देखा। अगर मैं सब्सक्राइब और व्यूज़ की तरफ को देखता तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। क्यों? बीच में मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा ख्याल आते थे कि यार ना व्यूज़ आते ना सब्सक्राइब आते। 10-10 दिन तक नंबर नहीं बढ़ता था भाई, वो अगर 526 हैं तो 10 दिन के तक भी 526 ही रहते थे। तो भाई 1 साल में जैसे तैसे 1000 सब्सक्राइबर हुए, फिर उसके बाद से चैनल का सिस्टम ही चेंज हो गया भाई। जब से 1000 सब्सक्राइबर हुए, खुद ब खुद इम्प्रेशन हाई हो गए, व्यूज़ आने लगे अच्छे, और 2 महीने में 800 सब्सक्राइबर आ गए नए, तो मुझको तो ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि कहाँ 1 साल में हुए 1000, कहाँ 2 महीने में 800 सब्सक्राइबर आ गए। तो भाई ऐसा ही करो, बस 1000 सब्सक्राइबर करो पूरी ईमानदारी से, उसके बाद आपके पास खुद ब खुद सब कुछ हो जाएगा अच्छा। तो मेरी ड्यूटी भाई 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, फिर मुझको टाइम नहीं मिलेगा, अंधेरा हो जाएगा। और आज जो एक्साइटमेंट है ये कल नहीं होगा वीडियो बनाने का, मोनेटाइज का। तो मैं इसलिए आज ये लोकेशन बार बार चेंज हो रही है वीडियो बनाने की भाई। तो यार शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सब लोगों ने इतना सारा सपोर्ट किया, इतना सारा प्यार दिया भाई, वीडियो को शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। तो और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें यार, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा अच्छे अच्छे।